हेलो दोस्तों, आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसे, मेरे बोलने का जो तरीका है वह कैसा है। ये बात तो सच है कि मेरा YouTube ना चलने का सबसे प्रमुख कारण ये भी है कि मैं जो बोलता हूँ उसकी बातें या तो स्पष्ट नहीं होती है या बोलने में मैं गड़बड़ा जाता हूँ। अब क्या करूँ, नौसिखिया तो है अभी भी, और 70 वीडियो डालने के बाद भी मेरा YouTube चल नहीं रहा है। शायद ये लगता है कि शायद कभी चलेगा भी नहीं, क्योंकि इसका पहला कारण है कि शायद मेरा एडिटिंग बेहतरीन नहीं रहता है, या ट्रांजिशन बेहतरीन नहीं रहता है, या सबसे प्रमुख उनमें है कि कंटेंट बेहतर रहते नहीं करता है। आप लोगों का सपोर्ट भी, जो भी वीडियो अगर बेकार भी है तो आप लोग उसे डिसलाइक तक नहीं करते हैं, उसे लाइक भी नहीं करते, तो कैसे पता चलेगा। ये तो गलती आपकी भी है ना, हर बार गलती है अपने थोड़े होता है, वो आपकी भी गलती है कि अगर कोई बेहतरीन काम करना चाहता है तो आप लोग उसे करने नहीं देते हैं। अरे ठीक है, YouTube चैनल चला रहा है तो इसमें दिक्कत का है, कोई दिक्कत है का? हमको तो नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है, चला रहे हैं तो चला रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं तो डाल रहे हैं, अपडेट आप लोगों को कुछ ना कुछ मिल ही रहा होगा। आप लोग धरातल पर देख ही रहे हैं कि क्या काम चल रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि स्ट्रीट लाइफ कैसा होता है या विलेज लाइफ कैसा होता है, ट्रेन ब्लॉक कैसा होता है। भले ही घटिया क्वालिटी में हो कैमरा की वजह से या घटिया क्वालिटी कंटेंट की वजह से भी हो, अब जो है होए, अब आगे आप लोग कमेंट कीजिएगा या आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तभी हम बेहतरीन लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग ना लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते हैं और कुछ कड़वे नहीं करते हैं तो हम कब तक करते ना है, बोलिए। इसमें गलती तो आपका भी है, मतलब आप लोग हमेशा चाहते हैं कि बेहतर चीज़ें हमको हमेशा मिल जाए। अरे कुछ गलत हो रहा है या गलत चीज़ों का भी आप कभी कभी सपोर्ट कीजिए ना, जो पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो आप लोग उसका भी सपोर्ट कीजिए। भाई आपका सपोर्ट करने से अगर किसी का चैनल चल जाए, पैसा कमाए, तो आपको दिक्कत क्या है, हम करोड़पति बने नहीं, आपको इसमें दिक्कत क्या है। आपको भी गिफ्ट दे देंगे कभी कभी, आपको भी आइसक्रीम खिलाएंगे, पहले मुझे तो खिलाइए। सॉरी फॉर से डैड, बट हाँ ये सच है कि हम यूट्यूब से पैसा तो कमाना चाहते हैं। अरे पैसा नहीं कमाना चाहते, कम से कम 1,00,000 परिवार तो बन जाए, 1,00,000 सब्सक्राइबर तो बन जाए। एक सब्सक्राइबर एक परिवार की तरह होता है जो आपस में मिला जुला रहता है, शायद एक संबंध बन जाता है सब्सक्राइबर के बीच। हाँ ये महसूस किया जा सकता है कि एक सब्सक्राइबर हो जाने से बहुत बेनिफिट तो होता ही है, शायद वो आर्थिक रूप से, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक रूप से सपोर्ट भी मिलता है कि एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ा है, एक दूसरे के सपोर्ट में अच्छे बुरे का राह दिखा रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। इसमें आप लोगों का सपोर्ट करना होगा, और मुझे ही नहीं, जो भी बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा है उसे भी आप सपोर्ट कीजिए। आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं तो एक बार देख लीजिए कि आप मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें कितना घटिया घटिया वीडियो बना है, और ये भी देखेंगे कि जो भी वीडियो बना है उसमें प्रत्येक वीडियो में इम्प्रूवमेंट है। पहला वीडियो आप देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज आसपास का मिलेगा। सेकेंड वीडियो देखिए, उसमें अपनी बात रख रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा तेज़ आवाज़ से डाल दिए, क्योंकि मेरे पास तो एक्सपीरियंस था ही नहीं। लेकिन बाद में जो देखे तो हमको भी लगा कि क्या बना दिए भाई लोग, क्या घटिया क्वालिटी का वीडियो बना है। तब जाकर आगे एक बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये आज मेरा बेहतरीन कॉन्फिडेंट है कि मैं इतना देर का वन शॉट में बातें रख रहा हूँ अपना, नहीं तो एक एक बात रखने में कितना शॉट लेना पड़ता था, कितना रिटेक करना पड़ता था, बाप रे हमको भी याद है। लेकिन आज शायद हाँ बोली वाली थोड़ा गलत हो सकता है, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकता है, बोलने में हमको परेशानी हो रहा है, क्योंकि ऑन कैमरा बोलना थोड़ा मुश्किल है, सबका इसमें मुश्किल होता है। मैं ही अजूबा नहीं हूँ, हर एक भारत में या कोई भी लोग हो, ऑन कैमरा बोलने में सबकी फटती है भाई, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। खैर जो बात रखना था कि अगर मेरा गलत कंटेंट भी है तो भी कम से कम डिसलाइक तो कीजिए। अरे डिसलाइक का भी एगो क्रेज होता है, कैमरा वीडियो पर सबसे ज़्यादा डिसलाइक मिला है, ये बात सच है। लेकिन
लेकिन वो भी नहीं करते हैं। हालांकि इतना दूर तक कोई देखेगा वीडियो भी मुश्किल है, लेकिन चलिए देखते हैं ये वीडियो कैसा होता है और इसका क्या रिजल्ट होता है। एक स्टेप मैंने एडिटिंग सीखा है, वो भी देखते हैं कैसा आप लोगों को लगता है। और उस वीडियो को अगर आप लोग पसंद करते हैं तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको मेरी बातें अगर समझ ना आ रही हो तो उसे आप प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा भाई, ये शुरुआत है। कम से कम YouTube नहीं चले लेकिन कम से कम पर्सनालिटी या इम्प्रूवमेंट तो हो जाएगा ना, कम से कम ऑन कैमरा बोलने का आदत तो हो जाएगा ना, कुछ ना कुछ तो भाई चलेगा ना। कम से कम देखते हैं इसका क्या होता है रिजल्ट। अगर ये वीडियो नहीं चलता है या वीडियो कब तक सीन होता है लोगों के द्वारा, शायद 15 सेकेंड आप लोग देखें इस वीडियो को या 30 सेकेंड देखें, लेकिन वो देखते हैं। आगे आपको इस वीडियो का रिव्यू पक्का हम देंगे, नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि ये वीडियो फिर से क्यों नहीं चला और लोग मेरा इस वीडियो का क्यों मजाक बनाए या क्यों लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा, जबकि इतना बात बोलने के बावजूद भी ये वीडियो नहीं चला। खैर देखते हैं आगे का वीडियो में बताएंगे काहे नहीं चला। अपनी बातें तो रखना है, पूरी ईमानदारी से रखना है, कोई झूठ नहीं बोलना है, ना कोई शब्दों का बनावट है, ना कोई स्क्रिप्ट है। आज जो है सच है, खुलेआम है, आपके सामने है, क्योंकि कब तक स्क्रिप्ट लिखे भाई, चल भी नहीं करता तो कब तक लिखे। खैर ये सब बात की बात होती रहेगी, आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सपोर्ट किए और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। लाइक यू बी स्ट्रॉन्ग टू होल्ड द पावर्स ऑफ द सन। Dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Can I be your superhero?